पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद इसमें हिजबुल्ला की भी एंट्री हो गई थी। उस वक्त इजराइल की ओर से हिजबुल्ला को चेतावनी भी दी गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हिजबुल्ला को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर हिजबुल्ला इस लड़ाई में शामिल होने की गलती करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान समर्थित हिजबुल्ला हमास और इजराइल के बीच जंग में शुरू से ही एक्टिव है और पिछले कुछ दिनों से लेबनान में जो कुछ भी हुआ है इससे नेतन्याहू की चेतावनी सच होती दिखाई दे रही है। बता दें कि अब इजराइल हिजबुल्ला को खुलकर निशाना बना रहा है। पेजर अटैक से शुरू हुआ सिलसिला अब हवाई हमलों तक पहुंच गया है। इजराइल की धुआंधार बमबारी में लेबनान में 500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल इजराइल पिछले कई महीनों से लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा था। हालांकि पिछले 10 दिनों में इसमें काफ़ी तेजी आई है। बता दें कि इससे पहले भी इजराइल और हिजबुल्ला के बीच लेबनान में 2 बार भीषण जंग हो चुकी है। साल 1978 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के आतंकियों ने इजराइल में 30 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान पर धावा बोल दिया था। करीब 2 महीने बाद यूनाइटेड नेशन की मदद से जंग तो रुकी, लेकिन जुलाई 1981 में इजराइल में PLO के हमले के बाद सीजफायर टूट गया। इसके बाद हालात बिगड़े और कई जानें भी गईं। इस बीच ईरान की मदद से हिजबुल्ला बना। इस दौरान इजराइल और हिजबुल्ला के बीच भयानक जंग हुई। हालांकि जून 1985 में यह युद्ध किसी तरह खत्म हुआ। हालांकि इसके ठीक 21 साल बाद साल 2006 में दोनों के बीच एक बार फिर जंग भड़क उठी, जो 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक चली थी। इजराइल की ओर से हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए शुरू किए गए अभियान के बाद से लेबनान में तबाही मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में करीब 90,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वहीं 1,00,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बढ़ते तनाव के बीच अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लेबनान में ज़मीनी हमला करने से पहले इजरायली सेना वही रणनीति अपना रही है जो उसने गाजा में अपनाई थी। बता दें कि गाजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने कई दिनों तक हवाई हमले किए थे। लेबनान में भी ठीक इस वक्त वैसा ही हो रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर लगातार बम बरस रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना प्रमुख ने भी सैनिकों से लेबनान में ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि इजराइल के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिका और कई यूरोपीय देश एक्टिव हो गए हैं।